जमीयतुल उलमाए हिंद का यह सम्मेलन जो सद्भावना के नाम पे था और मौलाना अरशद मदनी साहब अपनी बात रख रहे थे, तो निश्चित तौर पर वो इस चीज को डिफाइन कर रहे थे कि हिंदू माइथोलॉजी क्या कहती है और इस्लाम माइथोलॉजी क्या कहती है। लेकिन अल्टीमेटली जहां तक मैं समझता हूं कि जो उसका लबोलुआब था वो ये था कि ईश्वर एक है, मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इस्लाम के मानने वाले अल्लाह पाक या खुदाबंद कहते हैं, तो हमारे हिंदू भाई उसको भगवान कहते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई उसको गॉड कहते हैं। और इसको आप इस ढंग से भी देख सकते हैं कि महात्मा गांधी से बड़ा इस देश में या पूरे विश्व में कोई अहिंसावादी नहीं था, लेकिन महात्मा गांधी भी जब अपनी सुबह प्रार्थना सभा करते थे तो वो उसमें हमेशा इन शब्दों का प्रयोग करते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। महात्मा गांधी सुनिए, चेतना जी सुन लीजिए, आपको अगर मेरी बात करनी है तो फिर मैं आपके पास आता हूँ। हमारे सिख भाई जो ये कहते हैं कोई कहे राम राम कोई कहे वाहे गुरु, तो क्या आप इस पर आपत्ति जताएंगी? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम के मानने वाले और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है अपनी कुरान शरीफ में कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिससे ये साबित होता है कि वो पूरे रब का मालिक है। इसमें कहां विरोधाभास है? अब आप अगर उसको भगवान के रूप में पूछते हैं तो उसको हम कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि साहब गौवध का जो है गौवध होता है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार से एक निवेदन करें कि पूरे भारत वर्ष में गौवध को प्रतिबंध लगाया जाए। आप नहीं मानते हैं तो मैं जबरदस्ती आपसे नहीं बनवा लूंगा। हमारी पूजा पद्धति आप ईश्वर को मानती है में, आपकी पूजा पद्धति और हमारी पूजा पद्धति में बहुत अंतर है। हम सर बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल निश्चित अंतर है। आप लोग खुले करते हैं लेकिन हमने आप ईश्वर में विश्वास करती है नहीं करती है ये बताइए। आप ईश्वर में विश्वास करती है ना? अपने ईश्वर में विश्वास आपकी पद्धति जो है उसको हमें कोई हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात आवश्यकता नहीं थी मर्दनी को उसकी व्याख्या थी, उस मंच पर आवश्यकता नहीं थी। अगर आप मंच हर धर्म के विराजमान थे, अगर आप इसमें चीखने चिल्लाने से अपनी बात को सार्थक साबित करेंगे तो कोई फायदा नहीं। चीखने की बात अभी आपने सत्यता की बात है, आप बात तो सुन लीजिए। आपकी सत्यता आपके लिए, अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं तो इससे क्या मतलब है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वैदिक होंगे ही नहीं। आप मेरी बात से सहमत चले 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 कि मैं सत्य कह रही हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी आपने दो तीन क्वेश्चन खड़े किए थे, अच्छी तरह से जानते हैं। इतना जी शमी साहब, हम इस बात पर आना चाहते हैं कि आपत्ति क्यों है और कहां पर है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, उनका अपना रास्ता है।